तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर ए में है, राइट द नंबर, यानी राइट द नंबर, ये बॉक्सेस में हमें नंबर लिखना है। जैसे कि देखिए, आप इसमें काउंट करके लिखा हुआ है, ओके। इसमें देखिए, इसमें ये जो बॉक्स है इसको एच यानी 100 माना गया है, टी को टेंस यानी जो ये लाइनें दी गई हैं जो, इनको टेंस माना गया, और ये 3 जो बॉक्सेस हैं इनको वंस। तो 100 यानी 100, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टेंस एंड 1 2 3 3 वंस, तो ये पूरा हो गया 173। ऐसे ही हमें नीचे देखना है। अब नीचे हमें ये 100 का बॉक्स नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का बॉक्स खाली रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 का बॉक्स नहीं दिया है। फिर इसके बाद हमें यहाँ क्या, सीधे टेंस लिखना है। तो 1 2 3 4 5 फाइव टेंस एंड 1 2 3 4 5 6 6 वंस, ओके। अब नीचे भी ऐसे ही है, अब इसमें 100 है, तो 100 1 2 3 4 फोर टेंस एंड 0 वंस, वंस कुछ नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर 0। अब नीचे भी ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 में 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 100 का 1 यानी ये 100 का बॉक्स है ना, तो ये 100 का बॉक्स 1, टेंस यानी ये बॉक्सेस 9 है, 9 एंड वंस क्या है, 0, कुछ भी नहीं है, तो 0, ओके। समझ में आया, ये सब आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में है, राइट द नंबर एंड द नंबर नेम्स, यानी हमें अब ये जो एच टी ओ यानी 100 10 एंड वंस में जो नंबर्स देंगे, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें पहले अलग करना है, फिर स्पेलिंग राइट करनी है, ओके। जैसे कि 100 8 टेंस एंड 0 वंस, तो 100 स्पेलिंग्स लिखनी है इसकी, 180। फिर नीचे 100 में कुछ नहीं दिया है, ओनली फॉर 46 दिया है, तो 4 टेंस हुआ, 6 वंस हुआ, तो 46, ओके। अब नीचे देखिए, नीचे 100 दिया है, 0 2 यानी 1 है, 100 यानी 100 है, टेंस में 0 और वंस में 2, तो 102, ओके स्टूडेंट। समझ में आया, ये सब आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हम ये चैप्टर नंबर 2 है, ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर का पार्ट 1 है वो ख़त्म हो गया है, अब ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। इसमें क्या है, देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इच डिजिट, यानी जो हमें इसमें दिया है ना 4 1 4 9, तो इन्हें हमें कैसे करना है, पहले 100 हुआ, ठीक है, तो हमें 1 की 4 की वैल्यू की, 9 की कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि उसके पीछे कोई डिजिट है, इसलिए 9 को हमने पहले यहाँ लिखा, फिर 4 4 0 40 100, तो हो गया 149। ऐसे ही 111, तो 110 and 1 111, हो गया 110 and 1 11, ओके। अभी नीचे देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट, यानी जो ये जो कलर डिजिट है उसकी जो वैल्यू नहीं होती, जैसे लास्ट में कुछ नहीं है तो ये 9 का 9 लिखेंगे। अब जैसे कि 100 के बाद ये 2 डिजिट दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखकर जो कलर्स वाले नंबर्स हैं उनके आगे डिजिट लगाएंगे। जैसे कि 101, तो 100 तभी तो हमने किया ना, 100 2 8 1 2 8, तो 100, ओके। अब 0 0 का कुछ भी नहीं होगा, प्लेस वैल्यू होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0। 5 5 5 56 आएगा, उसके बाद 6 लगाते हैं, तो पहले क्या करेंगे, 56, तो 50 है ना, तभी तो 6 होगा ना, 56, तो 50। अब ऐसे ही फर्स्ट 107, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 0। फिर 186, तो 8 है, 8 के बाद 0 लगाएंगे, ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया, अभी नीचे देखते हैं। राइट द नंबर्स, अब हमें इसको प्लस करना है। ओके, 100 प्लस 50 प्लस 5 तो 155। अब इसमें देखिए 100 प्लस 8 वंस तो 180, 100 प्लस 90 प्लस 1 तो 191। इसमें भी देखिए 100 प्लस 6 टेंस तो कितना हुआ 160। फिर 89 स्पेलिंग्स है, इसको हमें नंबर्स में लिखना है। ओके, फिर यहाँ देखिए 101 तो हमने यहाँ लिख दिया 101, यानी नंबर्स में लिख दिया। अभी नीचे देखिए, राइट इन द एक्सप्लेनेटेड फॉर्म, यानी अब हम इसको अलग अलग कर, जैसे हमने यहाँ पर ये अलग अलग था तो इसे साथ में कर दिया है ना, अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स को अलग अलग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 110 हो गया प्लस 21 हो गया तो कितना हो गया 12 हुआ, फिर 60 तो 6 टेंस, यानी 6 के अंदर हम 10, 6 में हम 10 टेंस करेंगे तो 60 हुआ, 0 डालेंगे तो 60। अब 189 तो 100 प्लस 8 टेंस प्लस 9 वंस तो क्या हो गया 189। ऐसे ही नीचे 100 प्लस 0 टेंस प्लस 3 वंस तो हो गया 103। ओके स्टूडेंट, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी और ये आप सबको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके, थैंक यू।